नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भले ही लाख सख्ती कर ले, लेकिन उनके ही सरकारी मुलाजिम शराबबंदी के नियम कानूनों को रोज चूना लगा रहे हैं। नशा, त्याग और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले एक ऐसे ही गुरुजी यानी कि सरकारी शिक्षक शराब बेचते हुए पकड़ लिए गए, वो भी रंगे हाथों। खास बात यह है कि यह शख्स 10 साल के दौरान दूसरी बार शराब बेचने के जुर्म में जेल भेजा गया है। मामला बिहार के बगहा से जुड़ा है और आरोपी राजकीय बुनियादी विद्यालय मधुबनी के प्रधान शिक्षक हैं, जिनका नाम सुरेंद्र गुप्ता है। सुरेंद्र धरहा थाना के दहवा बाजार के रहने वाले हैं। प्रधान शिक्षक अपने घर में शराब रखकर बेच रहे थे। थाना अध्यक्ष मुन्ना कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि प्रधान शिक्षक दारू का कारोबार कर रहा है, जिसके बाद शिक्षक सुरेंद्र गुप्ता के घर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान कुल 4.5 लीटर मैकडॉनल्ड की 25 बोतलें यहां से बरामद हुई। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर धनहा थाना लाया गया। सुरेंद्र गुप्ता कहां कहां शराब बेच रहा था, इसको चिन्हित किया जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि शिक्षक को जेल भेजने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि सुरेंद्र गुप्ता के पिता शिक्षक थे, जिनकी मौत अचानक हो गई थी। उनके मरने के बाद सुरेंद्र को बड़ा पुत्र होने के नाते 1998 में अनुकंपा पर नौकरी मिली थी। सरकार की तरफ से रेगुलर शिक्षक का वेतन मिलने के कारण सुरेंद्र की नौकरी वेतन मान पर लगी थी। सुरेंद्र 2011 में कच्चा दारू का कारोबार करने को लेकर जेल जा चुका है। हालांकि उस समय नीतीश कुमार का शराबबंदी कानून नहीं था, लेकिन दारू बनाना और बेचना जुर्म था। 2011 में भी सुरेंद्र देसी निर्मित दारू बेच रहा था, उस समय भी पुलिस ने पकड़कर उसको जेल भेजा था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि शिक्षक काफी दिनों से शराब का कारोबार किया करता था, जिससे एक अच्छी खासी संपत्ति तैयार कर ली गई है। पुश्तैनी घर को छोड़कर इस शिक्षक ने अब नया घर भी बना लिया है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि 26 तारीख को ही मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी कर्मियों को शराब न पीने की शपथ दिलाई थी। शपथ लेने के साथ ही सरकारी कर्मी शराब के नशे में पकड़े जाने लगे हैं। जिले के पिपरासी थाना क्षेत्र से 26 नवंबर को प्रधान शिक्षक कुंदन कुमार गौड़ शराब के नशे में पकड़ा गया था। 30 नवंबर को पंचायत सचिव राज बलिराम शराब के नशे में था, जिन्हें वाल्मीकि नगर पुलिस ने धर दबोचा। वहीं 1 दिसंबर को रामनगर में भी एक विकास मित्र नरसिंह राम को पुलिस ने शराब के नशे में गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को प्रधान शिक्षक शराब बेचते हुए पकड़े गए, जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। बहरहाल नीतीश कुमार की लाख कोशिशों के बावजूद भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के यहां से शराब की बरामदगी का सिलसिला नहीं थम रहा है। ये शिक्षक के पास से शराब की बरामदगी उसी मामले को जोड़कर देखा जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार शपथ तो दिलवा रहे हैं, कसम खिलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी आवास, सरकारी कार्यालयों और सरकारी कर्मचारी से लेकर अधिकारियों तक के पास शराब की या तो बोतलें पाई जा रही हैं, या फिर खुद शराब के धंधे में लिप्त पाए जा रहे हैं, जो कि शराबबंदी कानून पर और नीतीश कुमार की समीक्षा और उनके दिलाए गए शपथ पर बड़ा सवाल खड़े करता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।